अब बात करते हैं रीवा की, जहां खाद्य सुरक्षा तथा स्वच्छ एवं पोषक आहार के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए ईट राइट चैलेंज अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 7 अगस्त को प्रातः 11 बजे से ईट राइट मेले का आयोजन फूड क्राफ्ट संस्थान रतहरा परिवहन कार्यालय के समीप किया जा रहा है। मेले में विभिन्न पोषक खाद्य निर्माण तथा जागरूकता से संबंधित प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। इन 8 प्रतियोगिताओं के विजेता को 2500 रुपए एवं उप विजेता को 1500 रुपए के पुरस्कार के साथ उपहार कूपन दिए जाएंगे। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एनएन मिश्रा ने बताया कि खाना बनाने की कला में प्रवीण व्यक्तियों के लिए 4 प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इसमें प्रथम प्रतियोगिता मोटे अनाज पर आधारित व्यंजन तथा भोजन के लिए होगी। दूसरी प्रतियोगिता फोर्टिफाइड चावल तेल एवं गेहूँ का आटा तथा दूध से निर्मित व्यंजनों की होगी। तीसरी प्रतियोगिता हेल्दी स्ट्रीट फूड के लिए होगी। चौथी प्रतियोगिता तड़का बिन जायका पर आधारित व्यंजनों की होगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि स्वच्छ एवं पोषक आहार के लिए स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम भी ईट राइट मेले में आयोजित किए जा रहे हैं। मेले में सुरक्षित स्वास्थ्य वर्धक एवं पर्यावरण अनुकूल अनाज आधारित व्यंजनों के लिए स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की गई है। हेल्दी प्लेट विषय पर रंगोली बनाने तथा सुरक्षित कल के लिए आज करें सुरक्षित भोजन विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। मेले में मोटे अनाज पर आधारित व्यंजन, फोर्टिफाइड अनाज के व्यंजन, स्ट्रीट फूड तथा तड़का बिन जायका विषयों को शामिल करते हुए प्रश्न मंच प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इन सभी प्रतियोगिताओं में स्कूल तथा कॉलेज के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए पंजीयन निशुल्क है। मेले में पहुंचकर मौके पर प्रतियोगिता के लिए पंजीयन कराया जा सकता है। गूगल सीट के माध्यम से भी पंजीयन की सुविधा दी गई है। ईट राइट मेले में विभिन्न तरह के पोषक, स्वास्थ्य वर्धक और स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए जा रहे हैं। आम जनता इनका भी लाभ उठा सकती है। ईट राइट अभियान के तहत ही 6 अगस्त को सुबह 8 बजे से जागरूकता के लिए कॉलेज चौराहा स्थित स्वामी विवेकानंद पार्क से जागरूकता दौड़ का भी आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज़।